तीन राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इन परिणामों के बाद 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए पूरे देश में माहौल बन रहा है। चुनाव परिणामों के बाद हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने इस जीत को प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की जीत बताया और कहा, जो देश में बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम सरकार कर रही है। नवभारत समाचार हरिद्वार उत्तराखंड से शहजाद अली की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत हो रही है, ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे देश को इस पार्टी पर भरोसा है और नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी नेतृत्व पर जो इन 8-9 सालों में काम हुआ है बच्चा बच्चा भी महसूस करता है और इसलिए एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बन रहा है। जो बेमान है, भ्रष्टाचारी है, उनको जेल के शिकंजों में डाला जा रहा है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई अपराधी क्यों न हो। महामहिम राष्ट्रपति जी का जो ऐतिहासिक अभिभाषण हुआ है, महामहिम ने कहा है कि मेरी गवर्नमेंट सबका साथ सबके विकास के रास्ते पर चली और उस रास्ते से होते हुए सबका विश्वास और सबके प्रयास ये संकल्प से लेकर के सिद्धि की ओर जा रही है। ये जितनी योजनाएं आंकड़ों के साथ बताया कि पिछले 50-60 में जितना काम नहीं हो सका इस गवर्नमेंट ने, उसने 50-60 साल के इतिहास को बदल डाला, विकास की गंगा को बहाया है। आज हिंदुस्तान पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, चाहे यूक्रेन और रूस का युद्ध हो, लोगों को लगता है कि यदि इसका समाधान निकाल सकता है तो नरेंद्र मोदी निकाल सकते हैं। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है।